Hey guys, I am Asmita Mehta and I am Nidhi and I am Shreya and आज हम पिज्जा बना रहे हैं क्योंकि सामान आ गया हमारा फाइनली क्योंकि हमारे मेस में खाना अच्छा पनीर था बट पनीर हमारे लिए अच्छा नहीं था तो इसलिए आज हम कुक करेंगे हम तीनों में से मैं तो थर्ड नंबर पे हूँ फर्स्ट और सेकंड कौन है प्रो कुक फर्स्ट नंबर टू और मैं नंबर थ्री तो इसलिए मैं सबसे कम काम करूंगी और जो प्रो कुक है वो प्याज भी काटेंगे और लेकिन प्रो कुक सिर्फ कुकिंग करना चाहिए हेल्पिंग हैंड जो है वो थर्ड वाला उनको काटना चाहिए बट हमारे साथ एक प्रॉब्लम मैं ये बॉयल कर दूंगी बट हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है कि किचन में चाकू गायब है क्योंकि लड़कियाँ चुरा के ले गई हैं हमें या तो मैस वालों से कटवाना पड़ेगा या हमें चाकू खुद का लाना पड़ेगा है हमारे पास अब हम चाकू ढूंढ रहे हैं डालो ना देखना ओवर पेइंग कस्टमर जरा भाई अब तू ही प्याज काटेगी श्रेया ने बोला भाई जब कटे हुए मिल रहा था तो मैं तो कटे हुए लेना चाहती थी श्रेया ने बोला कि टेस्ट अलग होता है कटे हुए प्याजों का शेप की शेप से टेस्ट डिटरमाइन होता है उसने बोला कि हम भाई ये कौन से देश से आ रही है श्रेया और मैंने उसको बोला भी कि कौन काटेगा आंसू आ जाते हैं तो उसने बोला निधि उनके पास हाई पेइंग एम्प्लॉई है क्या है तुम्हारे मेरे 3 बजे लैब है ये हरकत है मैं 3 बजे तक खत्म करनी होगी और अभी टाइम क्या है जिसमें श्रेया को भी लेके जाना है मुझे नहीं श्रेया प्लीज यार ऐसे मत कर लैब बुक करिए रोको नंबर टू ने स्टार्ट कर दिया है कुछ करना क्या कर रहे हो आप कॉर्न बॉयल माइक्रोवेव में नहीं हो सकता ये क्योंकि इस पर बड़ा स्लो होता है पर ठीक है ये नहीं जाएगा हाँ मेरे पास है दूसरा ओके फर्स्ट और चाकू शेफ नंबर वन प्रो शेफ नंबर वन तो सीधा इधर ही आ गई है कटवाने इधर प्रो शेफ से कटवाने भैया दो फटाफट फटाफट तुमने बॉईल करने डाल दिए कौन चलो कोई प्रो शेफ नंबर टू ने डाला है मैं तो व्लॉग ही कर रही हूँ और मैं खा रही हूँ बस सबसे बड़ा योगदान असल का सबसे बड़ा योगदान क्या है व्लॉग करना और खाना ठीक है और निकालती गाइस जो मेन काम होता है चॉपिंग वो हम मैस से करा चुके हैं अब हमें बस असेंबलिंग करनी है हमारे पास दो ऑप्शन है क्या या तो हम इसको कच्चा डालें जैसे बाकी लोग डालते हैं या फिर हम इसको फ्राई करें कच्चा ही मैं तो ऐसे ही खाती हूँ फ्राई करके तुम्हारी लैब है कर लो तुम फ्राई कर लो तो उसमें टाइम लगेगा बट मेरे 3 बजे लैब है अस्मिता इसको फैलाने का काम करेगी उसके ऊपर रख के प्लेट बोल है बोल है पर हम जानेंगे एक्चुअली सॉस जो कि हमारे पास बहुत कम है बस भाई ज़्यादा तीखा मत करना मलाई नहीं दे रहे हैं ले आए मैं ले आना अंदर डाल देंगे ये ऊपर लगा देंगे ये भी तो ऐसे ही डलेगी डाल पर मेयो का टेस्ट अलग होता है ये अलग होता है ले आ जाओ हमारे कॉर्न भी देख लेते हैं जरा हो रहे हैं बॉयल बॉयल गुड गुड मैं बस व्लॉग कर रही हूँ ये दोनों तो काम ही कर रहे हैं हमने प्री हीट पे लगा दिया है ये 6 मिनट्स इसके अंदर कुछ था तो नहीं ना हमने
मेरा काम था, एक प्रीवीन का काम था तेरा। तो अब हमने देखा थोड़ी बस लगा दिया। नहीं है कुछ बॉयल हो गए हैं। ओके गिराना मत। ओके बॉम्बास्टिक साइड आए गिराए हैं भाई दीदी ने गिराए हैं भाई। एक फोन गिरा है ठीक है, और भी हैं उसमें है, लगाना क्या है, इसे डालना ही तो है ऐसे करके। दे देंगे अरुण अंकल को, उन्होंने हमारी हेल्प करी है। मेन काम तो अंकल ने ही कर दिया है, चॉपिंग। गर्म है अभी तो, गर्म ही होंगे ऐसे। एक जगह कॉन्सेंट्रेट मत करो, फिर से बाहर से डाल रहे हैं। वो नहीं है ना हमारे पास, चीज नहीं है, ये वाला लगा दिया, मतलब ऊपर भी ऐसे डाल देंगे थोड़ा नदी। बहुत ज्यादा प्याज हो गया भाई, बस सारा ही डाल दिया है। वो भी डाल थोड़ा सा, खा मत उसको। काम है, एक काम करो, वो कैसी शक्ल बनाने से कुछ नहीं होगा कि क्यूट सी शक्ल बना के, कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। ढूंढने आए अब हम इधर, क्यों उनको लग रहा था हम कुछ बना रहे हैं। कुछ चीज नहीं मिला अब हमें यहाँ से, तो हम वहाँ मिल जाएगा। वो अंकल तो बनाते हैं चीज सैंडविच, उनसे ले लेंगे और फिर उसको ग्रेट कर देंगे। तब तक श्रिया ने बस मैस अप ना कर दिया वो अंदर। नहीं उसको तो बस मिलाने का ही काम लेके आए हैं वैसे। ओके डिवाइड कैसे करेंगे, जो आ रहा है भाई तेरे चैनल पे। तो एफ नंबर 2 अपना कौन रख के भूल गए जो हमने उतारे, तुमको पता ही नहीं है कि कौन क्या है। शेफ नंबर 2 का कॉल आ जाता है तो वो बीच में छोड़ के भी जा सकती है। चीज़ी अरे ये थोड़ी मेल्ट सी हो रही है, इसको हम शायद ग्रेट तो नहीं कर पाएंगे, ऐसे ऐसे डाल देंगे। हाँ श्रिया भी तो कुछ करे, हम एक तो ले भी आए, अब मेल्ट वो भी हम करें। मेहनती भाई, वाह। हम तो श्रिया के थोड़े बिचिंग कर रहे थे कि ये तो कुछ कर नहीं रही है, बट श्रिया ने तो हाँ। ओहो थैंक यू भाई। श्रिया की शक्ल ऐसे हो जाती है कि मेरे को तो कुछ पता नहीं, प्लीज हेल्प मी। उससे तो नहीं हो पाएगा, हमारा हाथ देना पड़ जाए यार। 100 संदर्भ से मिल जाएगा फिर खत्म हो जाएगा यार। ये तो ऐसे ही लगेगा, बट पतला सा है ना हमारा हाथ ही। हाँ सब हो जाएगा, ऐसे डाल दो। मुझे तो बस ये लग रहा है ये बाउल पे ऐसे भी गिर ना जाए। ओहो ओहो बस भाई बस, ये थोड़ा मुश्किल से निकल रहा है इससे। ठीक है अभी हमें और भी बनाने हैं, सब एक में ही हमने लगा दिया है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, बस बीच बीच में तक चीज़ी हो गई। चलो आ जाओ बस में लगाते हैं। मेरे हिसाब से तो कन्वेक्शन पे करते हैं। डाल डाल ये क्या हो गया भाई, मैं भाई सेंटर में है ना। हाँ सेंटर में ही है। ठीक है ओके बाय बाय, सी यू ऑन द अदर साइड। ये थोड़ा 180 पे लगा रही हूँ और 5 मिनट लगाती है। छिंस टू गो, थोड़ी थोड़ी खुशबू तो आ रही है। 3 2 1 हो गया रिवील। ओहो भाई वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 200 तक कर ले। बहुत ही कच्चा है भाई, कुछ भी नहीं हुआ अभी इसका। कनेक्शन बहुत कच्चा है अभी, देख
200 कर दे फिर, 5 मिनट्स हो जल जाएगा ये माइक्रोवेव, नहीं जलेगा बस, ठीक है 3 मिनट्स। ओहो हमारा तो सब कुछ रेडी हो गया है, सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो हमने प्लेट में बनाने का ट्राई किया इंस्टेड ऑफ दिस बाउल। ये हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि ग्लास का है वो प्लास्टिक की है, प्लास्टिक इतना नहीं यूज़ करना चाहिए, बट देखते हैं इसमें कैसा बनता है। फिर इसको भी उधर, क्योंकि इसका ना बेस कच्चा कच्चा रह गया है और ऊपर तो पक गया है तो पता नहीं, इसलिए प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए इसी रीज़न की वजह से। What the? ये क्या हो गया है इस प्लेट के साथ, हो गया है प्लेट के साथ। और निधि और लगाओ आप 200 डिग्री में क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं इसका। और अगर मेरे बाउल के साथ कुछ हुआ रीइंबर्समेंट चाहिए मेरे को। अभी तो हमने इसको थोड़ा ठीक किया है, ऐसे दी पूरी है, मैंने सोचा 3D भाई, मैंने सोचा मेरा आइडिया है, हम न्यू स्ट्रेटजी कर रहे हैं कि ऊपर से पक चुका है बस नीचे से रहता है तो हम उसको वहाँ पकाते हैं। सो लेट्स सी, नीचे से सरफेस पे टच नहीं हुआ होगा, पर ये तो हो गया तो सरफेस ही मुड़ गया ना फिर। हाँ सर हाँ, तुम मेरी प्लेट चली गई है वो तो फोर्थ ईयर है तो मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही हूँ कि एक महीने में जाना ही है। जिया तुम्हें कैसा लग रहा है मेरा आइडिया, लॉजिकली बताओ तो। अच्छा तो है तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं है तो पिज्जा के बेस को सरफेस पे टच नहीं करते हैं, जिस सरफेस पे हीट जा रही होती है। क्यों ऐसे ही करते हैं, डायरेक्ट हीट नहीं करते हैं। तो तुम उस पे कैसे बनाते हो, गैस पे? गैस पे नहीं बनाते वो, पर कई लोग तवे पे भी तो बनाते हैं ना ऐसे करके। प्रो शेफ रैंकिंग रिड्यूस नंबर 2, श्रिया इज नंबर 1 नाउ। वो उसमें दिखाते हैं ना, वैसे श्रिया होप्स गिव अप नहीं कर रही है, श्रिया फिर भी कोशिश कर रही है और ये लड़की अपना फैशन शो कर रही है। है 3:30 बजे 2:328 हो चुकी है ना, ये थोड़ा स्लो है क्या, रुको देखते हैं। देख रही हूँ 5 पे तो हो रहा है निधि, क्या हो रहा है थोड़ा बताइए। मेरा आइडिया सक्सेसफुल हो रहा है, धुआं आ रहा है, देखना नीचे हो गया, देख 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 वो पक्का तो है, थोड़ा सा लाइंस आ गई है, मतलब लाइंस आ गई है, एक बार टेस्ट करके देख ले कच्चा तो नहीं है। मैथ्स वाले अंकल भी हमारी हेल्प करने आए थे, बीच में इंटरेस्ट था हमारा, अब होपफुली बन जाएगा ऊपर और नीचे दोनों तरफ। शेफ 2 प्रमोशन हो चुका है, आई प्रमोटेड हर टू शेफ 2 क्योंकि उसने थोड़ी हेल्प करी है, मुझे लगा मुझे ही सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करी है, मुझे लगा था मुझे ही सॉल्व करनी, वो मेरी परीक्षा थी तेरे लिए, मेरी से छोटी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही कि उसको काट के खाएंगे कैसे, बस ये प्रॉब्लम है। मैं इसकी शेफ 2 श्रिया, फिर श्रिया शेफ 3 है, ओके शेफ 3 आई एम नाउ शेफ 2, stole your position. मैं टू हूँ। ये पिज्जा नीचे से नहीं पक रहा, ऊपर से पका हुआ है, और ये नीचे से पका हुआ है, ये ऊपर से नहीं पक रहा। भाई चलते हैं प्लीज, कैसे खाएं अब, एक उन्हें दे देंगे एक मैं खा लूंगी, तुम लोग जाओ। यार ये नीचे से इतना नहीं पका जितना वो पका था, भूख से मर रही हूँ मैं। दिमाग क्यों नहीं आ रहा इसमें, जितना टेस्ट में चला गया चांद बन गया पिज्जा का, और टेस्ट कर लेते क्रेसेंट मून। मुझे लग रहा है कि मेरा ग्लास बोल भी जाने वाला है, होपफुली ऐसा ना हो। वो उसकी सेटिंग देखो ना ऊपर से, कहीं वो ओवर वो हो गया, वो देखो ना 5 है लाइट आ रही है, अब आइए कुछ घुमाए, रेड लाइट आई है, अब आएगा धुआं देखना। इन लोगों को कुछ आता ही नहीं है, अब मैं 1 बन गई हूँ, अब मैं शेफ 1 बन चुकी हूँ, 4 पे पकाया गया है वो, ठीक है। क्या आ रहा है, दुनिया भर का सारा स्ट्रगल हम आज ही करें, काटना जरा चम्मच से, तेरी होशियारी थी ना, चम्मच से काटूंगी, काटना ये
300 रुपए का पिज्जा बहुत वो पड़ रहा है महंगा। अरे भाई टूटे ही जा रहा है बीच बीच में क्योंकि उसमें लाइंस बन गई है ग्रिल की, समझ रही है तो ग्रिल की लाइंस पे टूट रहा है वो। भैया टेस्ट करके बताओ आप कैसा है, करो टेस्ट। इनका तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, सबसे आप काटे थे भैया ने। ये पास करेंगे करो मैं डांस, ये वाला अगर ये पास कर दो तो पास हो बेटे। हमें उम्मीद नहीं है पास की। टेस्ट बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लो बेटा बाबा आपको एक टेस्ट तो करो, कहेंगे आप सच बोल रहे हैं या नहीं। हां हम आगे देखते, एक ले लो आप भी, मतलब परवी जी। चलो तो अब हम टेस्ट करके देखते हैं। ऊपर अच्छे से पका था ये, इसने बोला था कि जल्दी जल्दी कर उतर निकाल दो, ये इसको डिमोट कर दिया है हमने। तो मैंने खा लिया था निरेगा चुरा के। अब ये अब मैं क्या हूँ, मैं हूँ शेफ नंबर वन और ये है शेफ नंबर टू और ये हो गई है शेफ नंबर थ्री, क्योंकि मैं तो मास्टर शेफ हूं। क्योंकि इसने बोला कि इसको जल्दी निकालो जिस वजह से ये कच्चा हुआ है। फेलियर अब मैं हूँ ना शेफ नंबर वन, लेकिन मेरा प्रमोशन हो गया मास्टर शेफ के लिए, तो मैंने इसको भी प्रमोट कर लिया फ्रॉम 3 to 1। करियो श्री आप ही कर रही थी जो ऐसे ऐसे छोटा सा कोन ढूंढा उसको निकाला ऐसे ठंडा करके खा गई पिज्जा बनाकर। क्या स्कोर इसको सेम टाइम तक मंगाने वाले हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू करा श्रिया का। ओके और ये देखो परफेक्ट पिज्जा। वाओ पर ये थोड़ा जल गया हमारा, एक भी पिज्जा ऐसा नहीं हो रहा है जो 100% अच्छा है। ये थोड़ा बड़ा पीस है तो मैं सबको खिला दूंगी। माइक्रोवेव थैंक यू ग्लास बोल बेचारी प्लेट जो भाई इसने तो अपने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, इसको नहीं थैंक यू करेगी तू। थैंक यू प्लेट। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? पिज्जा से ज़्यादा मज़ा आया बनाने में, खाने से ज़्यादा मज़ा आया बनाने में। और फिर ये वीडियो मौसम भी अच्छा हो गया बाहर, तबाही मच गई है बाहर। हम पिज्जा बना रहे हैं पीछे से भगवान ऐसे घर घर बारिश कर रहे हैं जैसे हम पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, दुनिया की तबाही लेकर आ गए हम इस पिज्जा के साथ। इधर तूफान ही आ गए, हमने दोपहर को शुरू किया था, रात ही हो गई है बाहर। जब गए थे तब धूप थी और जब हम वापस आए तो इतने में अंधेरा हो गया, हमें समझ नहीं आ रहा लंच कर रहे हैं डिनर। हैप्पी हैप्पी हैप्पी, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बोल दो। बाय बाय।